CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. Dear friends, I am a man of education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The world requires the change. अरे मन धीरज क्यों न धरे रावण को बेटा मेघनाथ सोपुन जन्म धरे अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौतीस राज करे अकाल मृत्यु जग माही व्यापे परजा बहुत मरे दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काठ जरी किंतु एक सहस्र नौ से के ऊपर ऐसो योग पड़े सहस्र वर्ष लो सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े और स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले पुण्य जगह दशा फिरे और सूरदास ये हरि की लीला तारे ना चरे अरे मन धीजर कौन धरे राम का कृष्ण का बुद्ध का मोहम्मद का नानक का ईसा का सबका परमात्मा एक है हमारा भी एक ही है परमात्मा एक है से सारी किताबें एक परमात्मा से आई रामायण में लिखा है कि जब जब हो या धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी तो तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा सज्जनों की पीर को हरने के लिए युग में दिव्य लोक से एक अवतार आता है और एक प्रभु है जो विविध रूप में आता है जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ इनकी संख्या बढ़ जाए समाज में किनकी असुर जो देवताओं की राह पर नहीं चलते अधम जो धर्म की राह पर नहीं चलते अभिमानी जो ईश्वर के सामने घमंड जताते तो जब इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ती है संतुलन बिगड़ता है धरती का तो परमात्मा दिव्य अवतार को सृजित करता है जब 11 क्षोणी सेना कौरवों के संग हो गई पापियों के संग हो गई और भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन जो सत्य पे था उसके साथ 7 क्षोणी रह गई धरती का संतुलन बिगड़ गया तो बाढ़ें इनकी संख्या बढ़ गई किसकी जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ें असुर अधम अभिमानी तो तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा तो तब तब प्रभु विविध रूप धारण करके कभी राम के रूप में कभी कृष्ण के रूप में कभी मोहम्मद और नानक और ईसा के रूप में कभी बाब और बाहुल्ला जोड़ाष्ट्र और मोदिस और अब्राहम के रूप में और कभी महावीर के रूप में एक ही परमात्मा है जो युग युग में आता है तो प्यारे बच्चों परमात्मा एक है न कभी बदला है न कभी बदलेगा वो आत्म तत्व है और उसको जानने के मानी है उसकी शिक्षाओं को जानना इन शिक्षाओं को और फिर आप देखो तो होली कुरान शरीफ 23 वर्षों में नाजिल हुई खुदा की तरफ खुदा का फरिश्ता आता दूत आता और अल्लाह की तालीम मोहम्मद साहब को देता तो मोहम्मद साहब तो पढ़े लिखे थे तो वहाँ एक दो लोग थे जो थोड़ा बहुत जानते थे वो अपना लिख लेते थे ताड़ की पत्तियों पे लिख लेते थे या सूखी खाल भेड़ों की होती थी उस पर लिख लेते थे और 23 वर्षों तक ये खुदा का पैगंबर ये खुदा का दूत आता रहा एंजिल फरिश्ता और ये सब देता गया वो इकट्ठी लिख ली गई वो इकट्ठी हुई तो होली कुरान शरीफ बनी तो कुरान शरीफ अल्लाह की वाणी है मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी ये तो अल्लाह से आई परमात्मा अब आप कहेंगे अल्लाह परमात्मा ईश्वर गॉड ये सब क्या है प्यारे बच्चों इस संसार में जब लोग रहने आए तो उन्होंने महसूस किया कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो सूरज को निकालती है चांद को निकालती है सितारे निकालती है ये आसमान है ये हवा है ये पानी है ज़मीन के अंदर गोदामी गोदाम है गेहूँ के चावल के सेब के संतरे के आम के बढ़िया बढ़िया दुनिया भर की चीज़ें ज़मीन के अंदर भरी हैं लाखों
करोड़ों इंसान, अरबों इंसान को परमात्मा ने जन्म दिया है, ये पर्वत बनाए हैं, ये नदियाँ बनाई हैं, ये तरह तरह की एक आप समझिए कि हरियाली बनाई है परमात्मा ने, तो ज़रूर कोई न कोई होगा इसको बनाने वाला, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो लोगों ने उसकी इबादत करने के लिए एक नाम चुन लिया। अब अंग्रेजी वालों ने सोचा कि क्या नाम रखें, तो उन्होंने गॉड रख दिया उस ईश्वर का नाम। अरबी वालों ने सोचा, अरबी जानने वालों ने, अरब के लोगों ने, उसका नाम हम रब रख दें, रब के रब्बुल आलमीन। हिंदी जानने वालों ने उसका नाम भगवान या ईश्वर या परमात्मा रख लिया। उर्दू जानने वालों ने उसका नाम खुदा या अल्लाह रख लिया, खुदा का कोई नाम। जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, लाखों लाखों भाषाएं दुनिया में, हर भाषा में एक परमात्मा का नाम रख लिया। तो नाम किसने रखा? इस धरती पर रहने वाले लोगों ने, हम लोगों ने। परमात्मा का कोई नाम नहीं, हमने अपनी सुविधा के लिए कोई भी नाम अपनी भाषा में रख लिया, तो उसके तो लाखों नाम, लेकिन वो एक है। तो प्यारे बच्चों, परमात्मा परम आत्मा है, प्राणी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। किसी अवतार ने उसका दर्शन नहीं किया, राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, नानक, ईसा, किसी ने भी नहीं देखा, और देखने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि उनके दिव्य ज्ञान को जानने की जरूरत है, परमात्मा की शिक्षाओं को जानने की जरूरत है। शिक्षाओं को जानना ही परमात्मा को जानना है, और उन पर चलना ही परमात्मा की पूजा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो दिव्य नाम है, ये सारे नाम हम लोगों के दिए हुए, ये नाम दुनिया के रहने वालों ने अलग अलग नाम रख लिए अलग भाषा में, लेकिन वो एक है, भाषाएं अनेक है। और इसी तरह 550 वर्ष पूर्व नानक जी की आत्मा में दिव्य लोक से दिव्य ज्ञान आया गुरु ग्रंथ साहब को, उन्होंने साफ कर दिया कि गुरु कौन है। उन्होंने कहा, ये जो ग्रंथ साहब है, ये गुरु है। देखिए, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, ये गुरु है, ये गुरु ग्रंथ साहब। इसमें जो शिक्षाएं हैं वो गुरु हैं। तो नानक जी ने, नानक जी ने साफ कर दिया कि ये शिक्षाएं गुरु हैं तुम्हारी, इन शिक्षाओं को जानो, इन पर चलो। टू नो गॉड एंड टू लव हिम इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। नो गॉड मीन्स नो द टीचिंग्स ऑफ गॉड, एंड टू वर्शिप मीन्स टू ओबे द टीचिंग्स ऑफ गॉड। इन शिक्षाओं को जाने और इनको माने, इन शिक्षाओं को जाने और इनका पालन करें, इन पर चलें, इन पर एक्ट करें। नाउ द डेज ऑफ आइडल वर्शिप आर एंडेड, मोटिव्स ऑफ प्योरिटी सपोर्टेड बाई डीड्स ऑफ स्टेनलेस प्योरिटी विल बी कंसिडर्ड एज वर्शिप ऑफ गॉड। तो मंतव्य हमारे पवित्र हों, और पवित्र मंतव्य से जो पवित्र कार्य किए जाते हैं वो परमात्मा की पूजा होती है। तो हमारा मंतव्य पवित्र हो, हमारी भावनाएं पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, और उस मन पवित्र मन से जो कार्य किए जाते हैं परमात्मा की सेवा में, वो परमात्मा की पूजा होती है। बाकी तो रिचुअल्स हैं, घंटा बजा दिया, तिलक लगा लिया, और वो चावल इधर से उधर रख दिए, कलाया बांध दिया, यहाँ भी सब लोग तो बॉडी में तमाम वो हनुमान जी के यहाँ जाके वो लगा लेते हैं, दो चार छः लोटे पानी डालते हैं, कोई नदी में डुबकी लगाता, यह सब आप करिए, दे आर ऑल रिचुअल्स। लेकिन इसका कोई संबंध लेना देना न तो प्रभु की जानने से है और न प्रभु को मानने से है। इनका कोई संबंध पूजा से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, पूजा नहीं हो, एक कर्मकांड है, वो उससे कोई लाभ नहीं है। तो इन शिक्षाओं को जानना, उस पर चलना, और ये सब किताबें एक ही जैसे। तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा था, अब्बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे
और एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन होंगे। एक परमात्मा से ये सारा जग उत्पन्न हुआ है, ये सारी सृष्टि एक परमात्मा, ये सारा ग्लोब एक परमात्मा से। एक नूर से सब जग उपजा, ये सारा जग कहाँ से उपजा है? एक नूर से, एक परमात्मा से। एक नूर से सारा सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और नानक नाम चढ़ती कला, कब? जब तेरे भाने सर्वत्रदा भला, सारी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की जब तू भलाई करेगा और उसके लिए त्याग करेगा, तब नानक का नाम तुझे ईश्वर क्यों ले जाएगा। अन्यथा तू नानक नानक रखते रहना, कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, जब तक तू सारी सृष्टि से प्रेम नहीं करेगा और उस प्रेम के लिए त्याग नहीं करेगा, तब तक निरर्थक। तो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। प्यारे बच्चों, इसके बाद 200 वर्ष पूर्व किताब एकदश आई, ये बाहुल्ला की आत्मा में आई दिव्यलोक से। इसमें लिखा था, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु अनिज महान उद्देश्य उन पर, कर प्रकट मेरे विभो। ओ माय गॉड, यूनाइट द हार्ट दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पस। सारे हृदयों को मिलाकर तू एक कर दे, माता पिता भाई बहन दादा दादी नानी नाना चाचा चाची जो भी घर में हो, सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाए, तो क्या होगा? घर में स्वर्ग आ जाए। और यदि मोहल्ले में सबके हृदय एक हों, गांव में सबके हृदय एक हों, तो गांव में और मोहल्ले में स्वर्ग आएगा, आनंद की वर्षा हो। और प्रांत में और देश में और दुनिया में सबके हृदय एक हो जाए, पवित्र हो जाए और एक हो जाए, तो सारे प्रांत में और देश में और दुनिया में सुख की वर्षा हो, आनंद की वर्षा हो, स्वर्ग आ जाएगा, इस धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी। और फिर मैं आता हूँ कि गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो बताए। ये गोविंद का पता इनमें लिखा है, इन शिक्षाओं को जानना ही गोविंद को जानना। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक बालक बैठा है स्कूल में और ये कह रहा है कि मुझे टोटल क्वालिटी पर्सन बनना है और टोटल क्वालिटी मैनेजर, ताकि मैं डिवाइन सिविलाइजेशन धरती पर स्थापित कर सकूं। तो ये बालक कह रहा है कि मुझे दिव्य ज्ञान जितना आया है सब बताइए। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान आया, न्याय की शिक्षा थी, तो कह रहा है कि मुझे न्याय की शिक्षा दी। 2000 वर्ष पूर्व उसी दिव्य लोक से एक परमात्मा त्रिपिटक का ज्ञान आया, जिसमें था समता सम्यक ज्ञान, सब बराबर हैं, ये भी ज्ञान मुझे दीजिए ताकि मैं जीवन में हर एक को बराबर मानूं। आज से 2000 वर्ष पूर्व बाइबल का ज्ञान आया, जिसमें था करुणा, करुणा और दया मानव जीवन का आभूषण, जो व्यक्ति करुणा में है वो संसार के महाराजा बनेंगे, शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे। और आज से 1400 वर्ष में होली कुरान शरीफ आई, जिसमें लिखा था खुदा रब्बुल आलमीन, इस धरती का रब है, एक खुदा के बंदे हैं, इस दुनिया के इंसान सब भाई भाई हैं, तो एक खुदा ने सबको बनाया, सब भाई हैं, तो भाईचारे का संदेश आया। और 550 वर्ष में नानक जी की आत्मा में त्याग का संदेश आया, टू सेक्रीफाइस, सारी मानव जाति के लिए, सारी सृष्टि की भलाई के लिए हम त्याग करें। और 200 वर्ष पूर्व किताब एकदश आई बाहुल्ला की आत्मा, उनकी कोई तस्वीर नहीं है, तो उनके बेटे अब्दुल बहा की तस्वीर हमने लगा दी और इसमें था हृदय की एकता, तो ये भी बच्चे को मिल जाए। तो बालक कह रहा है कि जितने भी दिव्य रूप से गुण आए हैं सब मुझे मिलिए, ताकि मैं ईश्वर भक्त बन जाऊँ। प्यारे बच्चों, ये चीज़ें बहुत जरूरी। यह थे सिटी मोंटेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी।
जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम है। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through four pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. Justice and charity will encompass the world. Enmity and hatred will disappear. All causes of division among people, races, and nations will vanish, and the cause of union, harmony, and concord will appear in the world. War will place to peace. Enmity will be conquered by love. The causes of dispute and wrangling will be entirely removed. All the nations will become one. All religions will be unified. All individual men will become one family and of the one kindred. All the religions of the earth will become one. Superstitions caused by races, countries, individuals, languages, and politics will disappear. All men will attain to life eternal under the shadow of the Lord of hosts. Each sees the other, the beauty of God reflected in the soul, and finding this point of similarity, they are attracted to one another in love. This love will make all men the waves of one sea. This love will make them all the stars of one heaven and the fruits of one tree. Love is unlimited, boundless, infinite. Material things are limited, circumscribed, finite. You cannot adequately express infinite love by limited means. The perfect love needs an unselfish instrument, absolutely freed from the fetters of every kind. The love of a family is limited. The tie or the blood relationship is not the strongest bond. Frequently, the members of the same family disagree and even hate each other. Patriotic love is finite. The love of one's country causing hatred to all other is not perfect love. Compatriots also are not free from quarrels among themselves. The love of race is limited. There is some union here, but it is insufficient. Love must be free from the boundaries. To love our own race means hatred for all the other races, and even people of the same race often dislike each other. Political love is also much bound up with hatred of one party to another. This love is very limited and uncertain. The love of a community of interest in service is likewise fluctuating. Frequently, competitions arise which lead to jealousy. At length, hatred replaces love. All these ties of love are imperfect. It is clear that limited material ties are insufficient to adequately express the universal love. The great unselfish love for humanity is bounded by none of these imperfect, semi-selfish bonds. This is one perfect love possible to all mankind and can only be achieved by the power of the Divine Spirit.
छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। Ago, we wrote in banyan leaves, so we have to make it round so it's easier to write. And these toys are known for never falling down. Like if you drop it down, it will never fall down and it will come back up. So yeah, it's very popular. But these are not real, so they will just fall on their face. This is a shell from the clam that produces pearls. This is a Burmese harp and it's called sal. Fried beans and dried beans. We call it lapato in Myanmar. Talk and laugh and sometimes we yummy share our hopes and fears. Chili, so don't worry. Any information with her. Mm-hmm. Now keep this in mind because you are gonna play soon. Amel
Are you my partner? Here in this village you see. She said, I am Alice and this is my dedication. Hi, I'm Abel. Different race and different land. You've become to understand. Hi, I'm one Abel. And hi, I'm Alice. Point of view. How is that area called? So, good morning in Finnish is hyvää huomenta. Hyvää huomenta. And in Swedish it's god morgon. God morgon. Lätt kiss, bella tunnetaan. Lätt kiss, snälla osataan. Lätt kiss, suomalaisiin on saanut aikaan. Villityksen hirvuisen. Lätt kiss, maailmalla on. Lätt kiss, tanssi nuorison. Hello, my name is Rodrigo. Hello, my name is Diego. Hello, my name is Mateo. Hello, my name is Luis. Hello, my name is Julia. Hi, my name is Inés. Hi, I'm Jimena. We are from Spain! The Spanish name for Spain is España. The population of Spain is about 47 million. The currency used in Spain is the euro. The largest city and capital of Spain is Madrid. And the second largest city is Barcelona. Spanish has a royal family, the monarchy. Alike am I to you. Yeah. Garlic, bread and olive oil. Shikshatmak. सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।